Hello dear, welcome to KSL campus. Today we are going to start our next lecture. इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने पीरियोडिक ट्रेवल का फर्स्ट पार्ट किया था. ये जो चैप्टर नंबर 5 है जो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो एलिमेंट्स है उसकी क्लासिफिकेशन एक सीरियल वाइज करनी पड़ती है, सो दैट वी कैन रिमेंबर देयर प्रॉपर्टीज एंड वी कैन रिमेंबर देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस. तो उसके लिए दो तीन साइंटिस्ट शुरू में हमने देखा था, जैसे सबसे पहले डोवर्नियर ने अपना ट्रैड्स दिया था, फिर मेंडेलीव ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, फिर उसके बाद से मेंडेलीव आए थे, मेंडेलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था जिसको कि एलिमेंट्स को उन्होंने ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड किया था. और उसके कुछ मेरिट्स पे हमने देखे थे कि उसी के बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन हुआ है. और उसके बाद उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में ये भी जगह भी छोड़ा था ताकि और जो नए एलिमेंट्स हैं उनको ऐड किया जा सके, मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि नए एलिमेंट्स इन द फ्यूचर आएंगे. ओके, तो ये उनका मेरिट था. लेकिन कुछ डिमेरिट्स भी हैं मेनली के पीरियोडिक टेबल में, तभी तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना उसको मॉडिफाई करके. तो देख लेते हैं कौन सी डिमेरिट्स हैं. तो जो सब देखते हैं, पहला टॉपिक हमारा ही वही है, लिमिटेशंस ऑफ मेनली क्लासिफिकेशन. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स दैट ऑफ अल्कली मेटल्स, लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन कंबाइंस विथ हैलोजन्स. मतलब जिस तरह से अल्कली मेटल्स जैसे कि सोडियम कंबाइन होता है हैलोजन, उसी तरीके से हाइड्रोजन भी हैलोजन्स के साथ और ऑक्सीजन के साथ और सल्फर के साथ कंबाइंड होता है टू फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फॉर्मूला. एक जैसा ही फॉर्मूला होता है. कैसे, जैसे नीचे एग्जाम्पल्स में देखेंगे. जैसे हमारे पास ये दिया हुआ एच कंबाइंड हो रहा है क्लोरीन के साथ यानी हैलोजन के साथ, तो HCl बना रहा है. वो इसी तरीके से अल्कली मेटल जो है सोडियम वो कंबाइन हो रहा है Cl के साथ, तो NaCl बना रहा है. सेम टाइप से ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहा है तो H2O बना रहा है. ये ऑक्सीजन के साथ सोडियम कंबाइंड हो रहा है तो NH2O बना रहा है. सल्फर के साथ कंबाइंड हो रहा है तो H2S बना रहा है. और जो सोडियम है वो सल्फर के साथ कंबाइंड हो रहा है तो NH2S बना रहा है. मतलब सेम एक ही तरीके सिमिलर वे में कंबाइंड हो रहा है और फॉर्मूला भी देखने में सेम ही है. Likewise, on the other hand, just like halogens, hydrogen also exist as diatomic molecules. मतलब इसकी प्रॉपर्टी जो है हेलोजन से भी मिलती जुलती है, मतलब फ्री स्टेट में डाईटोमिक के जैसे एग्जिस्ट करता है, जैसे Cl2, Br2, उसी तरीके से H2, ठीक है. And it combines with metal and non-metals to form covalent compound. मतलब जिस तरीके से halogens covalent compound बनाते हैं metals और non-metals के साथ मिलकर, same उसी तरीके से भी combine होता है to form covalent compound. Certainly no fixed position can be given to hydrogen in the periodic table. मतलब एक फिक्स पोजिशन मेनली नहीं दे पाए और नहीं बना पाए कि कौन सा फिक्स्ड पोजिशन होगा. दिस वॉज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मेनली पीरियोडिक टेबल. मतलब पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन वॉज नॉट फिक्स्ड इन द मेनली पीरियोडिक टेबल. ही कुड नॉट असाइन ए करेक्ट पोजिशन टू हाइड्रोजन इन हिज टेबल. ओके, isotopes were discovered long after Mendeleev has proposed his periodic table classification of elements. मतलब isotopes की discovery बाद में कि elements के isotopes भी present होते हैं, जैसे carbon 12, carbon 14, ये सारे isotopes हैं carbon के. उसी तरीके से let us recall the isotopes of an element is similar to the similar in chemical property but different in atomic masses. मतलब एक ही एलिमेंट्स का अलग अलग मास हो सकता है but similar chemical property होगा, ठीक है. Thus isotopes of all elements poses a challenge to Mendeleev periodic law. मतलब कि इनका जो periodic table है atomic masses पे depend करता है, और isotopes जो हमने discover किया है तो उसमें सेम ही एलिमेंट का अलग अलग मास हो जाता है. जैसे कार्बन 12 जो एग्जाम्पल दिया था, कार्बन 14, इसका एटॉमिक मास 12 है, इसका एटॉमिक मास 14 है, तो इसको कौन सा पोजीशन असाइन करेंगे, 12 वाला ये 14 वाला, ये जानना मुश्किल हो गया बिकॉज उनके क्लासिफिकेशन के बाद आइसोटोप्स का डिस्कवरी हुआ. जब आइसोटोप्स का डिस्कवरी हुआ तो फिर उसके बाद से ये चीज़ बताना मुश्किल हो गया कि एटॉमिक मास पे किस तरीके से हम इसको क्लासीफाई कर पाएंगे. तो ये एक लिमिटेशन है
ठीक है, थस आइसोटोप्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स पोजेस चैलेंज टू मेनली पीरियोडिक लॉ. अनदर प्रॉब्लम वाज द एटॉमिक मासेस टू नॉट इंक्रीज इन ए रेगुलर मैनर, मतलब एक रेगुलर मैनर पे इंक्रीज नहीं हो रहा था, जैसे किसी का 37.5 है, किसी का 39 हो जा रहा था, किसी का 46 हो जा रहा था, उस टाइप से, मतलब रेगुलर मैनर में नहीं इंक्रीज हो रहा था. ठीक, इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट एलिमेंट, सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड यू डिस्कवर बिटवीन टू एलिमेंट्स, मतलब दो एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स और प्रेजेंट हैं, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि बाई सीइंग पीरियोडिक टेबल देख के ही हम प्रिडिक्ट कर सकें, स्पेशली व्हेन वी कंसिडर द हैवियर एलिमेंट्स. तो उसको देखते हुए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, लेकिन रेफरेंस किसका लिया गया, मेनली पीरियोडिक टेबल का ही रेफरेंस लिया गया. इन 1913 यानी 1913 हेनरी मॉसले, नाम याद रखना आप, हेनरी मॉसले एक नंबर में काम करता, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ देता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा डिजाइन किया था. शोड दैट द एटॉमिक नंबर, मतलब अब आया कंसेप्ट एटॉमिक नंबर तक का, यहाँ तक एटॉमिक मास का कंसेप्ट चल रहा था. शोड दैट एटॉमिक नंबर और डिनोट किससे किया, जेड से, ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास अकॉर्डिंगली मेनलीव्स पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक लॉ वाज मॉडिफाइड एंड एटॉमिक नंबर वाज अडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब एटॉमिक मास की जगह पर एटॉमिक नंबर को कंसिडर कर लिया गया इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ कैन बी स्टार्टेड एज फॉलोज, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर पीरियोडिक नंबर, मतलब जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हैं और वो पीरियोडिक फंक्शन मान लिए गए या फिर होते भी हैं एटॉमिक नंबर के, इन कंपैरिजन टू एटॉमिक मास एज इन मेनली पीरियोडिक टेबल. एटॉमिक नंबर गिव्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ एटम्स एंड दिस, सॉरी फिर से पढ़ लेता हूँ, एटॉमिक नंबर्स गिव्स अस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड दिस नंबर इंक्रीजेज बाय वन इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट्स टू नेक्स्ट एलिमेंट. ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं उतना उसी के बराबर एटॉमिक नंबर होता है, और जैसे जैसे नेक्स्ट एलिमेंट में जाते हैं वन से इंक्रीज होता है, मतलब इसमें रेगुलर मैनर में इंक्रीज होने लगा, एटॉमिक मास रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं हो रहा था. लेट अस टू क्लासिफिकेशन नॉन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रिडिक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कुड बी मेड विद मोर प्रिसिजन एंड एलिमेंट्स वेयर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे अरेंज कर दिया गया एटॉमिक मास को रेफरेंस हटा के. ये आपके पास एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की फिगर है जिसमें आप देख सकते हो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ब्रिलियम ब्रोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन उसके बाद से पोटेशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम टिटेनियम विनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक गैलियम जर्मेनियम ऑस्ट्रियम सीजियम ब्रोमियम क्रिप्टन. ठीक है, आपको कम से कम 36 तो याद ही होने चाहिए या फिर 40 आप याद कर लो तो और बेटर है. यहाँ तक रुबिडियम स्ट्रोंशियम इट्रेरियम जिरकोनियम, ओके, और मिनिमम 30 तक तो आपको याद ही होने चाहिए. और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, आप जैसे कि देख सकते हो 118 अभी तक प्रेजेंट है एज पर दिस पीरियोडिक टेबल. नए आए होंगे तो वो ऐड होते जाएंगे जिस तरीके से नए आएंगे, इसमें जगह भी है ऐड करने के लिए. आप देख सकते हो ये जो बाहर लाया हो गया है तो ये 7th और 8th पीरियड का, ये पीरियड्स इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल वाले कॉलम्स को, ये वर्टिकल्स को ग्रुप्स बोलेंगे. ठीक है, ये सारे ग्रुप्स हैं. ओके,
तो अल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप में है और हैलोजन्स जो है सेवेंथ ग्रुप में है, और जो आपका इनर्ट गैसेस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये आपका एट्थ ग्रुप में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक्स केयर ऑफ थ्री लिमिटेशन ऑफ मैनलिक पीरियोडिक टेबल, मतलब जो तीन लिमिटेशन ऊपर हमने पढ़ा था उस सबको ये पॉजिटिव में चेंज कर दिया, मतलब वो लिमिटेशन अब हट गया, लिमिटेशन नहीं रहा, बिकॉज हाइड्रोजन को एक प्रॉपर पोजिशन असाइन हो गया अल्कली के ऊपर, अल्कली मेटल्स के ऊपर। द एनोमाइल मोलिश पोजिशन टू हाइड्रोजन, मतलब एक फिक्स पोजिशन मिल गया, कैन बी डिस्कस्ड आफ्टर वी सी दैट सी व्हाट आर द बेसिस ऑन विच द पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिपेंड्स, पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस टाइप से। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स, टोटल 18 कॉलम्स हैं, तो लास्ट वाला जो 18th था, ठीक है, जिसमें इनर्ट गैस था, मैं 8th बोल रहा था, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, और 17th में आपका हैलोजन्स है, ठीक है, 7th मैं गलती से बोल दिया होगा शायद, एज नॉन एज और 7th हॉरिजॉन्टल रोज हैं, मतलब कितने रोज हैं इस टाइप के, 7 और वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं यानी ग्रुप्स, ये 8th हैं। ठीक है, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ग्रुप में यानी ऊपर से नीचे की तरफ से हैं तो उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होगी। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स फ्लोरीन क्लोरीन बिलोंग्स टू 17th ग्रुप, वी कैन से दैट these two have same number of valence electrons. The number of valence shell electron increases by one unit as the atomic number increases by one unit on moving from left to right in the period. एक period में left से right की तरफ पढ़ते हैं तो जैसे atomic number एक से बढ़ेगा वैसे ही number of valence electron एक से बढ़ेगा अगर period में move करते हैं, और groups में क्या होगा, groups में valence number of valence electron same रहेगा। ठीक है, we can say that the atoms of different elements with same number of occupied shells are placed in same period, this is sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon belongs to the third period of the modern periodic table, since electrons in the atoms of these elements filled in KLM shells, okay, इसमें filled है लिखना। अब देखो आप एक चीज और जान लो कि KLMNO ये सब जो सेल्स हैं इसमें किस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे पता लगाया था, तो इसका फॉर्मूला था 2n2, 2n2 से ही पता लगेगा, जैसे फर्स्ट वाले हमें लिखना है तो यहाँ लिखेंगे 2 × 1² ठीक है, K में कितना था 2 × 1² L में 2 × 2² LM 2 × 3² तो यहाँ कितना हो गया 2, यहाँ कितना हो गया 8, यहाँ कितना हो गया 3 × 3 = 9, 2 = 18, इसमें 18। उसी तरीके से अगले में 2 × 4² आपको यहाँ करके भी दिखा रखा है, K के लिए, L के लिए, मैंने M के लिए भी करके दिखा दिया, 2H और 18 बता रखा, 2 18 18 सॉरी थर्ड से बता रखा 8 18 18 32 एलिमेंट्स हैं किस में पीरियड्स में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ पीरियड में 2 18 18 32 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ओके।
नाउ ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो वैलेंसी देखते हैं। वैलेंसी की डेफिनेशन, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन ऑफ इट्स एटम। तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं, ठीक है, तो उस आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या फिर कितने लूज कर रहा है, उसको बोलते हैं वैलेंसी। जैसे कार्बन के पास 2 और 4, यानी टोटल इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको या तो 4 चाहिए या फिर 4 लूज कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4। ओके, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब एटॉमिक साइज इसको डिफाइन करेंगे। द टर्म एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ द एटम, उसकी रेडियस कितनी है। द एटॉमिक साइज मे बी विजुअलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज 37 PM, पिकोमीटर्स में होता है, यानी 10^-12 मीटर। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। मेटल्स लाइक सोडियम मैग्नीशियम आर टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड होता है पीरियोडिक टेबल में ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एंड नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड क्लोरीन आर फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड। नॉन मेटल्स जनरली राइट हैंड साइड पे और मेटल्स लेफ्ट हैंड साइड पे फाउंड होते हैं। और सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स जो होते हैं उनकी पोजिशन अप्रोक्स मिडिल में होती है, इस टाइप से थोड़ी लेफ्ट से राइट की तरफ होती जाती है पीरियोडिक टेबल में। आप जैसे किस में देख पाओगे, प्रॉपर दिखा नहीं रखा, लेकिन ये सेमी मेटल्स होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिगजैग लाइन सेपरेट्स मेटल फ्रॉम नॉन मेटल्स। जिगजैग लाइन जो है मेटल्स को नॉन मेटल्स से सेपरेट करता है। द बाउंड्री लाइन एलिमेंट्स बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलियम एंड पोलियम आर द इंटरमीडिएट इन प्रॉपर्टीज, मतलब मेटलॉइड्स या फिर सेमी मेटल्स इनको बोलेंगे। आपको बता ही रखा है, अभी बताया था जर्मेनियम, सिलिकॉन, इसमें ऐड कर लो बोरॉन, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलियम, पोलियम। As the effective nuclear charge acting on the valence shell electrons increases across a period, the tendency to lose electrons will decrease. जैसे उसके एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाएगी, इन पीरियड आगे बढ़ते जाएंगे, तो उसकी मतलब कितनी उसको हीट या फिर एनर्जी चाहिए टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, वो एनर्जी घटते जाएगी क्योंकि न्यूक्लियस से दूर होते जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी तो उसको कम एनर्जी में चाहिए, कम एनर्जी चाहिए होगा टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, वहीं बता रखा है इसमें। डाउन द ग्रुप द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाई द बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन डिक्रीजिंग बिकॉज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर फार्दर अवे फ्रॉम न्यूक्लियर, वहीं बता रहा है। डाउन द ग्रुप में भी वहीं होगा। Therefore, these can be lost easily. Hence, metallic character decreases across a period and increases down in a group. Non-metals, on the other hand, are electronegative. They tend to form bonds by giving electron. मतलब electronegative होते हैं non-metals जो होते हैं, they tend to form bond by gaining electrons. Electrons लेके बनाते हैं, जैसे chlorine लेता है, bromine लेता है एक एक electron. इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर के, और मेटल्स जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। एज ट्रेंड इन द इलेक्ट्रोनेगेटिव शोज नॉन मेटल्स आर फाउंड इन राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल टुवर्ड्स द टॉप। दिस ट्रेंड्स ऑल्सो हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म बाय द एलिमेंट्स बिकॉज इट इज नोन टू यू दैट ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक एंड नॉन मेटल्स आर एसिडिक, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। मेटल्स का ऑक्साइड बेसिक होता है और नॉन मेटल्स का एसिडिक होता है। सो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स भी प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है कि ये नॉन मेटल है तो जनरली ये बेसिक, इसका ऑक्साइड का नेचर बेसिक होगा, और नॉन मेटल होगा तो इसके ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होगा।
तो इस लेक्चर में इतना ही, और ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। दिस इज कौशल मौर्य नाउ साइनिंग ऑफ।